Okay, surely everybody has to focus. Relative pronoun is a topic that we are going to learn today. So first I'm going to explain you what is relative pronoun. So relative pronoun, agar aaj hum padh rahe hain, so first we must know what is relative pronoun. So relative pronoun ko samajhne ke liye aapko yahan dekhna hoga. The boy, the girl, the copy, the pen, the dog, the book. अब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, राइट, जो भी मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, ये सारे के सारे आपके नाउन हैं. द बॉय हु हेल्प्ड यू, द गर्ल हुम यू सॉ देयर, द कॉपी which you have, the pen which you gave me, the dog which was barking, the book which you want to buy, and the computer which you have. Now you can see students, यहां पर ये जितने भी words आए हैं, जितने भी noun आए हैं, उनको हम लोग who, whom और which, और भी काफी सारे होते हैं, ये जो है specify करने का काम कर रहे हैं, मतलब इनको relate करने का काम कर रहे हैं. तो ये जो है statement who, whom, ये जो words है particularly, they are called relative pronoun. इनको हम क्या कहते हैं? Relative pronoun. और who helped you, the boy who helped you, जिसकी आपने मदद की, is my brother. वो मेरा कौन है? भाई है. The boy who helped you, लड़का जिसने आपकी मदद करी, is my brother, वो मेरा भाई है. The girl whom you saw there, लड़की जिसे कल आपने वहां देखा, is my sister. Is my sister. The girl whom you saw there is my sister. लड़की जिसे कल आपने वहां देखा मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है. नेक्स्ट, द कॉपी विच यू हैव इज नॉट माइन. ठीक है, द कॉपी विच यू हैव, कॉपी जो आपके पास है वो मेरी नहीं है. द पेन विच यू गिवन मी इज नॉट योर्स. जो पेन आपने मुझे दिया इज नॉट योर्स, वो आपका नहीं है. द डॉग विच वॉज वर्किंग is no more today. कुत्ता जो कल भोग रहा था वो आज no more, मतलब इस दुनिया में नहीं रहा. The book which you want to buy has already been sold. किताब जो आप खरीदना चाहते हो has already been sold, वो पहले से बेची जा चुकी है, बिक गई है वो book. The computer which you have is not mine. कंप्यूटर जो आपके पास है वो मेरा नहीं है. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, द पर्टिकुलर सिचुएशन अबाउट विच आई एम टॉकिंग, सो ये सारे वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करने का काम कर रहे हैं इन पर्टिकुलर नाउन्स को. इन पर्टिकुलर नाउन्स को ये वर्ड रिलेट करने का काम कर रहे हैं. और ये जो सिचुएशन है, हु हेल्प्ड यू, दैट्स कॉल, मतलब लाइक आप जब भी कोई नाउन लिखते हो ना, तो उस नाउन को जब रिलेट करने के लिए किसी रिलेटिव, मतलब रिलेट करने के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो, तो वो सिचुएशन रिलेटिव प्रोनाउन में आती है. और हु हेल्प्ड यू, हुम यू सॉ देयर, विच यू हैव, विच यू गेव मी, विच वॉज बार्किंग, विच यू वॉन्ट टू बाय, विच यू हैव, इन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सबऑर्डिनेट क्लॉज. मैं आपको जब क्लॉजेस का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा डीपली हम उसको समझेंगे नहीं, तो उसमें बताऊंगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है. तो प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य वाक्य. इसमें मुख्य वाक्य क्या है? द बॉय इज माय ब्रदर हु हेल्प्ड यू. अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम कर रहा है किसको? बॉय को, तो हमने बॉय के बगल में लिख दिया. अगर आप इस सेंटेंस को चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि द बॉय इज माई ब्रदर हु हेल्प्ड यू. लड़का, वह लड़का मेरा भाई है
हु हेल्प यू, जिसने आपकी मदद करी, सिंपल पास्ट टेंस का ये, हु हेल्प यू, जिसने आपकी मदद करी। तो ये बेसिकली आपके जो है हु, होम, विच, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है जो आज मैं आपको टीच करने वाला हूं। तो आइए मजे के साथ हम लोग आज के इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले तो यहां पर लिख दूंगा मैं, ओके, एंड देन वी विल लर्न देम इन डिटेल, और आपको मेरे साथ बोलना भी होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने अभी देखा था, दैट वॉज हु, द सेकेंड वन दैट वी हैव इज वॉट, द थर्ड वन दैट वी हैव इज विच, द फोर्थ वन दैट वी हैव इज दैट। तो भाई ये चारों ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जिनका मतलब जो निकलता है, इट गिव्स द सिमिलर मीनिंग, इसलिए ये चारों मैंने पहले लिख दिए। अब इन चारों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस वी मस्ट नो, एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर डिफरेंस, कि हु का उपयोग होता है पर्सन के साथ, किसके साथ होता है, पर्सन के साथ। जैसे मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था, ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉल द बॉय जो कल एब्सेंट था, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है, उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था, क्या कहोगे इंग्लिश में, कॉल द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बेसिकली एक माइंड में हमारे चीजें आती है, सर हु का मतलब तो कौन होता है, बट लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स, दिस वॉट मीन्स क्या होता है, लेकिन यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन में जो का मतलब दे रहा है, दिस हु मीन्स कौन होता है, बट यहां पर ये जो का मतलब दे रहा है, दिस विच मीन्स कौन सा होता है, लेकिन यहां पर ये जो का मतलब दे रहा है। सो रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव वर्ड्स और जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उनकी तरह वॉक नहीं करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था, सो कॉल द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। आपने कहा सर मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल एब्सेंट था, बताओ इंग्लिश में क्या बनेगा, क्या कहोगे, सर आई नो द बॉय, सर आई नो द बॉय जो कल एब्सेंट था, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ, सर आई नो द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता जो कल स्कूल में थी, सर आई डोंट नो द गर्ल हु वॉज इन द स्कूल यस्टरडे। सर मैं उस लड़की को जानता हूं जो कल यहां थी, सर आई नो द गर्ल हु वॉज हियर यस्टरडे, हु वॉज हियर यस्टरडे। उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा हुआ है, क्या कहेंगे, कॉल द बॉय जो वहां बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग देयर। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लटका हुआ है ना, तो इस तरीके से ये आईएनजी में बनता है ना। सो कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर, राइट, उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा हुआ है। सो बेसिकली इसका उपयोग जो होता है हु के जो के सेंस में पर्सन के केस में होता है। अच्छा, कभी कभी इसका मतलब जिसे भी होता है, जैसे देखिए मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जिसने तुम्हारी मदद करी, या कॉल द बॉय जिसने तुम्हारी मदद करी, तो हु हेल्प्ड यू। अब मदद करने वाला कौन है, वो लड़का है, इसलिए सब्जेक्ट की जगह जिसने के सेंस में भी हु का उपयोग होता है। कभी कभी कुछ स्पेशली पास्ट में, क्योंकि किसने आपकी मदद करी तो किसने से बना, जिसने, तो इस केस में भी ऐसा ही यूज कभी कभी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट की। तो व्हाट का उपयोग होता है पर्सन के साथ नहीं होता है, ये थॉट्स के साथ होता है, बातों के साथ होता है। जैसे मैंने कहा सोचो जो आप सोच सकते हो, तो यहां ये नहीं लगेगा कि थिंक हु यू कैन थिंक, नहीं, सोचो जो आप सोच सकते हो, थिंक व्हाट यू कैन थिंक, बोलो जो आप जानते हो, स्पीक व्हाट यू नो, मुझे बताओ जो आपने देखा, टेल मी व्हाट यू सॉ, मुझे बताओ जो आपने वहां देखा, टेल मी व्हाट यू सॉ देयर, मुझे समझाओ जो मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन मी व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं जानता हूं उस बारे में जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, आई नो अबाउट द टॉपिक, आई नो अबाउट द थिंग्स अबाउट विच यू आर टॉकिंग, अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट का मतलब क्या होता है, जो। नेक्स्ट हमारा विच। अब ये लगता है भाई वस्तुओं के साथ, थिंग्स के साथ, और दूसरा लगता है एनिमल्स के साथ।
अब ये थिंग्स और एनिमल्स के साथ कैसे यूज होता है उसके लिए आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। जैसे मैंने कहा मेरे घर एक डॉग है जो बहुत ही स्वीट है। एट माई होम वी हैव अ पैट डॉग। पैट डॉग विच इज वेरी स्वीट। अब आप यहां पर देखो विच इज वेरी स्वीट, विच का मतलब क्या जा रहा है? जो। ठीक है, ऐसे देखो मैं उस पेंसिल के बारे में जानता हूं जो कल आपके पास थी। आई नो अबाउट द पेंसिल जो कल आपके पास थी, विच यू हैड यस्टरडे। नाउ यू कैन स्पीक वंस अगेन। आई नो अबाउट द पेंसिल विच यू हैड यस्टरडे। सो यू कैन सी डॉग के लिए भी विच लगाया हमने और पेंसिल जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, है ना, उसके लिए भी हमने विच लगाया। तो दोनों के लिए विच का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट। दैट का मतलब भी होता है जो। अब क्वेश्चन उठता है सर इसको कहाँ लगाना है? आपने सर व्हाट का मतलब हमको बताया, थॉट्स के साथ लगाना है, विच थिंग्स और एनिमल्स के साथ लगाना है, हु पर्सन के साथ लगाना है, इंसानों के साथ लगाना है। सर व्हाट अबाउट दैट? तो भाई दैट इज यूज्ड फॉर ऑल। दैट का उपयोग सभी के साथ होता है। कब? जब आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं जैसे एवरीथिंग, समथिंग, द ओनली, है ना, इसके बाद में Even, the same, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपके किसी सेंटेंस में आ रहे हैं सो ओवर देयर हमें who, what और which के बदले that का उपयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा रवि इकलौता ऐसा लड़का है जो इस बारे में जानता है। रवि is the only boy blank knows about it। अब मुझे बताइए रवि इकलौता ऐसा लड़का है जो इस बारे में जानता है। सो व्हाट कम्स इन योर माइंड? जनरली बॉय की बात हो रही है तो आपको क्या लगाना चाहिए? हु लगाना चाहिए। बट एक्चुअली वी आर यूजिंग रवि इज द ओनली बॉय। रवि इज द ओनली, द ओनली यूज किया हमने। सो ऑन द प्लेस ऑफ हु हम लोग यूज करेंगे दैट, कि रवि इज द ओनली बॉय दैट नोज अबाउट इट। ये तो वही बुक है जो मैंने कल आपको दी थी। दिस इज द सेम बुक Which I gave you yesterday or that I gave you yesterday? बताइए कौन सा सही होगा? ये तो वही बुक है जो मैंने कल आपको दी थी। This is the same book that I gave you yesterday. ठीक है, This is the same book that I gave you yesterday. यहां पर आपको which नहीं लगाना, that लगाना है। ऐसी कोई चीज नहीं है। There is no such things. एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर ये सच थिंग क्या होता है, तो उसको देख लो। There is no such thing. ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सच के साथ भी ऐसे ही होता है। There is no such thing जो मैं नहीं जानता, that I don't know. There is no such thing, there is no such matter that I don't know, जो मैं नहीं जानता। तो ये देखो लगना क्या चाहिए, what, लेकिन लगा क्या रहे हैं, that. सो बेसिकली दैट आपको हर उस जगह लगाना है जहां पर आपका सेंटेंस में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही हो। ठीक है, जैसे सच आ रहा हो उसमें, द सेम आ रहा हो, एवरीथिंग आ रहा हो। जैसे मुझे, मैंने कहा सब कुछ मुझे बताओ जो आप जानते हो, टेल मी एवरीथिंग। ठीक है, टेल मी एवरीथिंग जो आप जानते हो, दैट यू नो। आप देख सकते हैं यहां पर हमें लगाना क्या चाहिए, वॉट लगाना चाहिए, कि टेल मी एवरीथिंग वॉट यू नो। But we are using everything and that's why we have to say that, not what. What की जगह हमें किसको उपयोग करना है, that का उपयोग करना है। So tell me everything that you know. मुझे वो सब कुछ बताओ जो आप जानते हो। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। Tell me such things. ऐसी चीजें मुझे बताओ जो मैं नहीं जानता। Tell me such things. That I don't know. और अगर आप बोलोगे मुझे कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता, तो tell me something that I don't know.
दैट आई डोंट नो. सो दिस इज द थिंग एक्चुअली स्टूडेंट. सो यहां पर मैंने आपको हु व्हाट व्हिच एंड दैट चार रिलेटिव प्रोनाउन बताया है एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ दिस रिलेटिव प्रोनाउन्स आर एक्चुअली वर्किंग. Now what you need to do is to just learn this relative pronoun and you need to just practice accordingly. I have written some sentences you can see over here. Let's move on to the next phase of this relative pronoun, in which I will be teaching you who, whom, and whose. Yes, students, these three relative pronoun are used for person, जिसमें who का मतलब होता है जो, whom का मतलब होता है जिससे, और whose का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके. और तीनों का उपयोग जो होता है person के साथ होता है. So this is very important that you must know about this particular things, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत important role play करता है language learning में. So we guys have to pay attention to learn these things. Now मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जो इस काम को कर सकता है. Call the boy who can do this work. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने क्या बोला, उस लड़के को बुलाओ, मतलब लड़का यहां पर सब्जेक्ट है जो इस काम को करेगा, जो इस काम को कर सकता है. समझ में आ रही है, उस लड़के को बुलाओ जो इस काम को कर सकता है. दूसरा, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने कल वहां देखा. कॉल द बॉय हुम यू सॉ देयर यस्टरडे. ठीक है, अब यहां पर सिचुएशन बदल रही है. उस लड़के को बुलाओ जिसे तुमने कल वहां देखा. अब यहां पर मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, देखने का काम किसने किया? तुमने किया. ठीक है, देखने का काम किसने किया? तुमने किया. ओके, और देखा किसे? लड़के को देखा. तो भैया यहां पर आप सब्जेक्ट हो, लड़का जो है ऑब्जेक्ट है. यहां पर उस लड़के को बुलाओ जो ये कर सकता, तो लड़का यहां सब्जेक्ट है. तो जब आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हु लग रहा है, जब आपका लड़का जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हुम लग रहा है. अब ऐसे देखना, उस लड़के को बुलाओ जिसका ये सेलफोन है. कॉल द बॉय हूज सेलफोन दिस इज दिस नहीं दिस इज. पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी. अब यहां देखना, यहां कहेंगे हम उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जिसका यह सेलफोन है. सो आप देख सकते हैं तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आप चुटकियों में लर्न कर लोगे और पता भी नहीं चलेगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस एंड यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हु में बनेगा, हुम में बनेगा कि हुज में बनेगा. सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने ये बेंच तोड़ा. सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने ये बेंच तोड़ा. अब मुझे बताइए बेंच किसने तोड़ा? उसी लड़के ने जिसको मैं नहीं जानता. मतलब सब्जेक्ट वाला मैटर है, वो जो आए जिसे आए कुछ भी आए डजेंट मैटर. आप तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की परख रख लेना, आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा. सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने बेंच तोड़ा. सर आई डोंट नो द बॉय हु ब्रोक दिस बेंच. इन द क्लास द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग एंड दे आर जस्ट एक्यूजिंग ईच अदर कि सर इसने किया, इसने किया, इसने किया. सो लाइक आप ये कहोगे कि एक लड़का खड़ा हुआ, अ बॉय स्टूड अप एंड सेड, सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने बेंच तोड़ा. सर आई डोंट नो द बॉय हु ब्रोक दिस बेंच. समबडी एक लड़का दूसरा अनदर बॉय स्टूड अप एंड सेड, सर मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने ये बेंच तोड़ा है. सर आई नो द बॉय, सर आई नो द बॉय हु ब्रोक दिस बेंच. अब देखना, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिसे आपने ये बेंच तोड़ते हुए देखा, जिसे देखा आपने बेंच तोड़ते हुए. तो क्या कहेंगे? टेल मी द नेम ऑफ द बॉय. वो इसमें बनेगा आपका हुम में कि टेल मी द नेम ऑफ द बॉय जिसे आपने देखा, हुम यू सॉ ब्रेकिंग तोड़ते हुए. ठीक है, हुम यू सॉ ब्रेकिंग दिस बेंच,
होम यूज था, ब्रेकिंग क्यों लगाया, तोड़ते हुए, कॉन्टिन्यूस है ना, ये यहां पर पार्टिसिपल है, आपको बताएंगे आगे पार्टिसिपल में हम, कि टेल मी द नेम ऑफ द बॉय होम यूज था ब्रेकिंग दिस बेंच, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिसे आपने ये बेंच तोड़ते हुए देखा, तो टेल मी द नेम ऑफ द बॉय होम यू सा ब्रेकिंग दिस बेंच, सो दिस इज एक्चुअली द होम, गेटिंग एवरीवन, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, अभी क्यूरियस क्वेश्चंस भी दिमाग में उठ रही होगी, तो सारी क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर आगे मिल जाएंगे, पेशेंटली चीजों को सुनते रहना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब सुनना, आपने कहा पहले तो उस लड़के को बुलाओ जिसका ये बैग है, पहले तो उस लड़के को बुलाओ जिसका ये बैग है, क्योंकि जिसका ये बैग है ना उसी ने ये बेंच तोड़ा होगा, द बॉय हुज बैग दिस इज मस्ट हैव ब्रोकन दिस बेंच। सर मैं जानता हूं उस लड़के को जिसका ये बैग है, सर आई नो द बॉय हुज बैग दिस इज, बताओ उसका नाम क्या है जिसका ये बैग है, ओके टेल मी हिज नेम, टेल मी हिज नेम या टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हुज बैग दिस इज, सर उसका नाम रोहन है जिसका ये बैग है, सर हिज नेम इज रोहन हुज बैग दिस इज, बुलाओ रोहन को, रोहन कहें, कॉल द रोहन, वेरी इजी, सर वो क्लास से बाहर है, सर ही इज आउट ऑफ द क्लास, सर वो दो घंटे से क्लास से बाहर है, सर ही हैज बीन आउट ऑफ द क्लास फॉर टू आवर्स, वो दो घंटे से क्लास से बाहर है और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि वो दो घंटे से क्लास से बाहर है, ही हैज बीन आउट ऑफ द क्लास फॉर टू आवर्स एंड यू डिडंट टेल मी दैट ही हैज बीन आउट ऑफ द क्लास फॉर टू आवर्स, यू आर सपोज टू टेल मी दैट अ स्टूडेंट ऑफ अवर बैच of our class has been out of the class for 2 hours and now you are telling me. So everyone, what I am telling you कि आप लोग जो है practice का पूरा खेल है, दिमाग के अंदर चीजों को रखोगे ना तो कभी confusion नहीं होगा और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो who भी person के लिए, whom भी person के लिए, whose भी person के लिए, who लगता है किसके लिए, subject के लिए। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो रोज समय पर आता है, I know the boy who comes on the time daily। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम कल पीट रहे थे, I know the boy whom you were beating yesterday। Whom you were beating yesterday? मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम कल पीट रहे थे, पीटने वाले आप थे, पिटाई लड़के की हो रही थी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप कल पीट रहे थे, तो ऑब्जेक्ट है, और मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसका ये घर है, आई नो द बॉय हुज हाउस दिस इज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन में अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार मैं उसका बिट रिविजन करवाते हुए आपको आगे ले चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हु का मतलब होता है जो, दूसरा मैंने बताया आपको व्हाट का मतलब भी होता है जो, तीसरा मैंने आपको बताया विच का मतलब भी होता है जो, द फोर्थ वाज दैट का मतलब भी मैंने आपको बताया जो, फिर मैंने आपको बताया हुम और हुज, ठीक है, जिसको हमने हु के साथ में स्टडी किया, तो इसका मतलब हमने निकाला था जिसे और इसका मतलब हमने निकाला था जिसका, जिसकी, जिसके, राइट। इसके अलावा कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन में तो काउंट नहीं होती है बट हम इनको इसके साथ ही स्टडी करते हैं, व्हेन और वेयर, ठीक है। तो व्हेन का मतलब कब नहीं होता, जब होता है, ऐसे वेयर का मतलब कहां नहीं होता, जहां होता है, है ना। तो आइए सबसे पहले इनको भी देखते हैं, जब की बात करें हम, जब मैंने उसे कॉल किया तो व्हेन आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट पिक अप माई कॉल, ठीक है, जब मैंने उसे कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट पिक अप माई कॉल, तो उसने मेरा कॉल पिकअप नहीं किया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, ऐसे ही वेयर मतलब क्या होता है, जहां, मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप जा रहे हो, आई नो अबाउट द प्लेस, ठीक है, जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप जा रहे हो, आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूं जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, आई नो अबाउट द स्कूल वेयर यू आर स्टडिंग। तो जहां के लिए वेयर लगेगा और जब के लिए वैन लगेगा। जब आप यहां आए तो आपकी कंडीशन कैसी थी, When you came here, how was your condition? Tell me, when you joined Persona Institute's online course, so how was your condition that time? And now, how is your condition after attending 25 to 26 session? So, sir, when I joined Persona Institute's online course, I was unable to speak in English. I used to face some problems in speaking. But after joining this course, I have started speaking. So, I think I have improved myself.
सो दिस इज एक्चुअली, तो व्हेन मींस क्या होता है जब, वेयर मींस क्या होता है जहां, व्हेन मींस होता है जब, वेयर मींस क्या होता है जहां, व्हेन मींस होता है जब, वेयर मींस होता है जहां, दो तीन चार बार बोलोगे वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड वेरी मच, एंड इफ यू नो द राइट मेथड टू यूज इट, देन आई गारंटी आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है. आप सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ जाओगे, प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट कर दोगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है.